नमस्कार, मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। इस बार त्योहार पर सूट घर पर ही बनाइए, तो हम आपके लिए लाए हैं धोती सलवार। आज आपको धोती सलवार बनाना बताएंगे, तो चलिए पहले कपड़े का नाप बताते हैं। 20 से 22 साल की लड़की का धोती सलवार बनाने के लिए कपड़ा लेंगे 2.5 मीटर। देखिए यह कपड़ा 2.5 मीटर है, इसका अर्ज 40 है, तो जितना इसका अर्ज है उतना इंची कपड़ा नाप कर काटेंगे। कपड़ा लंबाई में भी 40 ही लेंगे और चौड़ाई में भी 40 ही लेंगे। कमर भाग ऊपर का अलग कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले इसको नाप लेके 40-40 इंच कपड़ा काटते हैं। देखिए इसका ये अर्ज भाग है कपड़े का, तो अर्ज भाग 40 इंच है, तो इसकी ये देखिए अर्ज भाग इसका 40 इंच है, तो इधर से भी इसको 40 इंच की नाप ले करके निशान लगाएंगे। दोनों तरफ से 40 ही लेना है और दो कटिंग इसका पहले करना। ये देखिए 40 यहाँ पे निशान लगाएं, ये 40 और इसी को ऐसे मोड़ेंगे, डबल फोल्ड करके दो पीस इसकी कटिंग करेंगे। इधर से भी 40 और यहाँ से भी 40, तो इसकी अब कटिंग करेंगे। देखिए ऐसे 40 ले लिए हैं और ये भी 40 इंच है दोनों तरफ से, अब इसकी कटिंग करेंगे। बचे हुए कपड़े से कमर भाग की कटिंग करेंगे। देखिए जो ऊपर कमर हिस्सा कपड़ा बनाएंगे उसके लिए लिए हैं यह कपड़ा। देखिए 4 तह में है, फोल्ड है, इसे फिर कटिंग करने के बाद खोलेंगे। इसके लिए चौड़ाई में लिए हैं कपड़ा, देखिए चौड़ाई में 13 इंच, 13.5, थोड़ा सा सिलाई के लिए, और लंबाई में लिए हैं 9 इंच। 9 इंच पूरा ये लिए हैं और 13.5 इसको लिए, 13 ले सकते हैं, थोड़ा सा सिलाई के लिए लिए हैं। और अब इसकी कटिंग करेंगे। यह कमर भाग ऊपर का बनेगा। देखिए धोती सलवार के कपड़े की कटिंग हो गई है। इसमें एक चीज नोट करने वाली है, जो नीचे घेर के लिए कपड़ा काटते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर रखना है। दो पीस ये दो भाग में काट लिए इसको। यह कमर का ऊपर का कपड़ा है, इसमें प्लेट्स लगा के सिलेंगे, तो ये दोनों भाग जो काटे हैं बराबर है लंबाई और चौड़ाई में। अब इसकी सिलाई करेंगे। जो 40 इंच कपड़ा काटे थे उसे इस प्रकार तिकोनी आकार में मोड़ लेना है। सबसे पहले देखिए ऐसे इसे तिकोनी आकार में मोड़ेंगे, और उसके बाद जो कमर भाग है, जो कमर भाग का कपड़ा काट के इसको जोड़े हैं उस पे इस कपड़े को ऐसे रखेंगे। इस हिस्से में प्लेट्स बनेंगे ऐसे, इस प्रकार इस हिस्से में प्लेट्स बनेंगे कमर भाग में जोड़ के, और यह पैर के पास आएगा। जब सिलाई कर देंगे तो ये वाला हिस्सा पैर के पास आएगा। सबसे पहले ऐसे तिकोने मोड़ लेंगे, ये देखिए मोड़ लिए तिकोने, और ये कमर वाला कपड़ा है, इसमें आप बीचों बीच रखते हैं
एक पीस को और इस प्रकार प्लेट्स लगाएंगे और पूरी आधा इसकी सिलाई कर देंगे, एक भाग की सिलाई पूरा कर लेंगे। तिकोना ही रखना है। धोती सलवार बनाने का यही तरीका है। ऐसे पूरे एक भाग कपड़े बनाएंगे। देखिए इस धोती सलवार में म्यानी नहीं लगाते हैं, नीचे जो प्लेट्स वाला पल्ला जोड़े हैं उसमें 8 इंच ऊपर सिलाई करेंगे। ये देखिए 8 इंच पे निशान लगाएंगे और अब इसमें म्यानी नहीं लगाते हैं, इसीलिए इसकी 8 इंच दोनों पल्ले को मिला करके सिर्फ 8 इंच सिलना है। बस इतना 8 इंच में फिर दोनों पल्ले की अलग अलग सिलाई होगी। ये देखिए नीचे आमतौर पे सलवार में जहाँ पे पैचा बनाते हैं, तो यह धोती सलवार है इसीलिए 9.5 इंच लंबाई लेकर के निशान लगाएंगे। ये 9.5 इंच पे निशान लगाएं। अब नीचे यहाँ पे ये तिरछा कपड़ा है, 9.5 इंच की पट्टी मोड़ के इतना हिस्सा खुला रखेंगे, 9.5 इंच निशान लगा के यह भाग खुला रहेगा जहाँ पे सलवार का पैचा बनता है। इस प्रकार पट्टी मोड़ देंगे उल्टी तरफ और इसको सिल देंगे, इतना हिस्सा हमारा खुला रहेगा। ऊपर 8 इंच लिए थे और नीचे का पट्टी वाला हिस्सा 9.5 इंच जो खुला भाग बनेगा। यहाँ पे निशान लगा है 9.5 इंच की, बस ये यहाँ तक लाके इसको रोक देंगे। बस अब इसकी पूरी पक्की सिलाई कर देंगे, सिंगल सिलाई है उसको डबल करेंगे। देखिए यह धोती सलवार बन चुका है। इसको बनाने में एक ध्यान देने वाली बात है कि धोती सलवार बनाते समय प्लेट्स या बीच का भाग ज्वाइंट है, यहाँ से सारे प्लेट कॉर्नर की ओर लाना है, तब भी सही धोती का आकार बन के उभरता है। हमें धोती का आकार उभार कर दिखाने के लिए प्लेट्स को कॉर्नर पे ही लाना है दोनों तरफ से। तो आप भी बनाइए यह धोती सलवार। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।